कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते देश भर में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के चलते कई लोग अपने घरों पर नहीं जा पा रहे। ऐसे में गुजरात के सूरत में फंसे सैकड़ों प्रवासी मजदूर जुमे के दिन सड़कों पर उतर आए। सड़कों पर उतरने की वजह ये थी कि उनके पास में खाना खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर सवाल एक बहुत ही वाजिब उठता है कि जब देश के अंदर तबलीगी जमात के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और मुखिया मौलाना साद को जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो जब गुजरात के सूरत के अंदर इस तरीके से लोग सड़कों पर उतरते हैं तो क्या गुजरात का मुखिया इसके लिए जिम्मेदार होगा? जी हाँ, शायद अगर मौलाना साद तबलीगी जमात के लिए जिम्मेदार होते हैं तो गुजरात के सूरत के अंदर जो सूरत के जिम्मेदार हैं उन्हें जिम्मेदार ठहराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन गोदी मीडिया शायद इस तरीके की वीडियो नहीं दिखाएगी, क्योंकि भारत में अगर बड़े पैमाने पर टेस्ट होंगे तभी पता चलेगा। टेस्ट के अंदर साफ होगा कि पॉजिटिव पाए गए लोगों में जमाती लोग ज़्यादा हैं या पूरे भारत के अंदर जो लोग अपने अपने घरों पर जाने के लिए क्षेत्रों के बॉर्डर पर फंसे हुए थे उनकी तादाद ज़्यादा है। देश की सरकारों को ये साफ करना होगा कि जो लोग बॉर्डरों पे फंसे थे और बहुत बड़ी तादाद के अंदर उन्होंने सोशल डिस्टेंस को नहीं समझा, उनकी तादाद भी सामने लानी होगी। लेकिन शर्त यह है कि क्या सरकार उनके लिए टेस्ट कराएगी? अगर जिम्मेदार तबलीगी जमात के मौलाना साद हैं तो हर उस स्टेट का जिम्मेदार वो इंसान होगा जिस स्टेट के अंदर इस तरीके से भीड़ बेकाबू हो रही है। बने रहें माइनॉरिटी न्यूज़ के साथ।